मैंने क्या करा है कि ये शॉकर से ऊपर इसकी टाइट टाइट करी है ताकि ये नीचे आएगा नहीं, क्योंकि ये बीच का जो साइज है ये मोटा है, तो अगर ये सुपर टाइट हो जाएगा ना तो ये नीचे खिसकेगा नहीं। तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है भाई शॉकर से रिलेटेड, शॉकर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं लीकेज होने से। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइस, हो सकता है कईयों ने पहले इस चीज को पहले भी यूज करा हो, तो गाइस इसका कैसा रिजल्ट है, क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम भी इंस्टॉल करते हैं अपनी स्पीड 400 पे। तो बाकी कईयों बाइक को मैंने ऑलरेडी स्पीड 400 पे लगा हुआ भी देखा है, तो मैंने बोला ठीक है लगाई जाए, अच्छी चीज़ है और जिससे कुछ बेनिफिट ही मिल रहा है। और बाकी अगर नॉर्मली किसी बाइक की सील वगैरह जो ख़राब होती है, अपना R3 वगैरह या KTM वगैरह का, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 700-800 रुपये में रिपेयर हो जाता है शॉकर्स दोनों के दोनों में भी, एक अंदाजे से बता रहा हूँ भाई ये रेट। तो अब इसका ट्रिम का मेरे को अभी पूरा क्लियर नहीं है कि कितने पैसे लगते, तो भाई इसके शॉकर्स वगैरह प्रोटेक्ट करते हैं पैसे लगाने से बढ़िया। और गाइस, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है यार कि अगर हम कहीं ट्रैवल्स वगैरह पे लंबे टूर पे गए हुए हैं, तो कई बाइक्स वगैरह जैसे ये ट्रिम के अभी सर्विस सेंटर वगैरह कम है, तो भाई इसके ना अगर शॉकर्स वगैरह कहीं लीक कर गए ऐसी जगह पे, तो वहाँ पर सर्विस मिलना बहुत रियल है, तो उस चक्कर में हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है ये। तो गाइस, सील को कवर करने के लिए हमने मंगाया भाई मोटो ट्रेंड से फॉक्स सील कवर मंगाया भाई, ये यूनिवर्सल है और ये आपको 800 के अराउंड का पड़ता है भाई टोटली। तो गाइस, इसको लगाने से पहले करना क्या आपने भाई, ये शॉकर्स है ना इसके आसपास की जो मिट्टी है ना ये साफ़ कर देनी है अच्छी तरह से किसी कपड़े से। तो अभी मैं इसको साफ़ करता हूँ, इस वीडियो को मैं फास्ट कर दूंगा, एक साइड का आपको लगा के दिखा दूंगा, फिर दोनों साइड का लगा के फिर उसके बाद लुक दिखाऊंगा। तो एक बार ही इसको साफ़ करते हैं पहले किसी कपड़े से और फिर इसको लगाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि साफ़ करने का रीज़न ये है अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो साफ़ हो जाएगी, अगर डस्ट के ऊपर ही लगा दूंगा तो वो अंदर ही अंदर वो करती रहेगी। तो इससे होगा क्या भाई, जितनी भी डस्ट वगैरह होगी ना वो साफ़ बाहर निकल जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये कि ये भी कवर लगाया हुआ है, तो इससे भी क्या भाई ये ना अंदर डस्ट जाने नहीं देता, बट एक वो कवर लगाने से और बेनिफिट हो जाएगा कि वो ज़्यादा डस्ट नहीं जाएगी अंदर, वो यहीं रुक जाएगी नीचे ही। तो लगाते हैं यार फटाफट। तो गाइस, लगने के बाद कुछ इस तरीके का लगेगा भाई ये, देखो भाई दोनों साइड का मैंने लगा दिया, ये स्टिकर भी आया था भाई इसके साथ, तो वो हमने ऐसे लगा दिया, तो कुछ ऐसे इस टाइप से दिखेगा भाई। इसको आपने थोड़ा मूव करना था, मूव भी कर सकते हो, मैंने ऐसे रखा है। बेसिकली आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यार, मैंने ये टाई ऐसे ऊपर क्यों लगाई है, इसका रीज़न है ऊपर लगाने का। मैं लगाने को इसके ऊपर भी लगा सकता था टाई को, बट अगर ये स्लिप होकर हो जाती तो ये ढीला हो जाता कहीं पर भी। इसको ऊपर टाइट करने का रीज़न ये है कि भैया ये जो लूप है दोनों के दोनों ये इसमें अटके हुए हैं और ये ऊपर टाइट है, तो ये नीचे खिसकेगा नहीं, लटका रहेगा खिसकेगा नहीं। अगर इसके ऊपर टाइट करता तो मे भी हो सकता था कि ये खिसक जाता ऊपर की साइड को, क्योंकि यहाँ पर इसमें गैप था। तो मैंने इस टाइप से लगाया। काफ़ी सारे जो अपने प्यार देने वाले थे भाई, उनका क्वेश्चन था कि आपकी बाइक में भी ऐसा कुछ है, एग्जॉस्ट का बैंड पाइप है उसमें उसका कलर कुछ चेंज हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है। तो गाइस, ये जब हीट होगा ना तो इसका कलर चेंज होगा ही होगा। अभी मेरी 4000 किलोमीटर चली हुई है, हो सकता है आपने इससे ज़्यादा चला दी हो। तो ऐसी ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे आपके लिए, इतना प्यार दिखाते रहना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना भाई। तो भाई वीडियो को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।